अब हम स्वतंत्रता पर लास्की के विचार को देखेंगे, लास्की's views on liberty। तो सकारात्मक स्वतंत्रता की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति जो है हमें लास्की की पुस्तक है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इसमें मिलती है। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने स्वतंत्रता के तीन स्तर बताए हैं, तीन स्तरों की जांच की है। कौन कौन से स्तर है? स्वतंत्रता की प्रकृति नेचर ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के स्वरूप फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की सुरक्षा सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी। अब हम इन तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्वतंत्रता की प्रकृति। स्वतंत्रता उस वातावरण का उत्साहपूर्ण संरक्षण है जहां लोग सर्वोत्तम विकास के अवसर प्राप्त कर सके। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? जो स्वतंत्रता है उस वातावरण का संरक्षण है जहां पर लोग जो है अपना संपूर्ण विकास कर सके, अपने विकास का जो है उनको अवसर मिल सके। जो स्वतंत्रता है ये अधिकारों की देन है। स्वतंत्रता एक सकारात्मक धारणा है, ये केवल बंधनों का अभाव नहीं है। लास्की स्वतंत्रता को केवल बंधनों का अभाव इसलिए नहीं मानते क्योंकि मनुष्य के सभी व्यवहार सामाजिक होते हैं। मनुष्य जो है समाज में रहता है और समाज में रहकर जो है सारे काम करते हैं। समाज में कुछ बंधन भी होते हैं जो कि हमेशा नेगेटिव ही नहीं होते, कुछ पॉजिटिव बंधन भी होते हैं। तो व्यक्ति जो भी करता है या करना चाहता है समाज के एक सदस्य होने के नाते कर सकता है। स्वतंत्रता और बंधन दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लास्की स्वतंत्रता को अवसरों की उपलब्धि के साथ भी जोड़ते हैं। स्वतंत्रता वो अवसर है जो ऐतिहासिक दृष्टि से व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसके विकास के लिए जरूरी है। हम अपना विकास तभी कर सकते हैं जब हम कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र हो। इस संदर्भ में स्वतंत्रता को अधिकार से जो है अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि विकास के ये अवसर अधिकार द्वारा ही सुनिश्चित होते हैं। लास्की स्वतंत्रता को राज्य की दया दृष्टि पर नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि व्यक्ति को असली स्वतंत्रता तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक वह सरकार के कार्यों का जो है लेखा जोखा नहीं ले लेता। सरकार से ये लेखा जोखा लेना भी जरूरी है जब वह अधिकारों का हनन करे। स्वतंत्रता के विभिन्न रूप। अब हम स्वतंत्रता के विभिन्न स्वरूप की बात करेंगे। लास्की स्वतंत्रता के तीन स्वरूप की बात करते हैं। वो तीन स्वरूप कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत, राजनीतिक और आर्थिक। तो अगर हम व्यक्तिगत रूप में बात करें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अभिप्राय उन अवसरों से है जिनका संबंध व्यक्ति के निजी जीवन से है। मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है जो चीजें व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित हो। एग्जाम्पल के लिए हम धर्म को ले सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक तरीके से जो है नकारात्मक स्वतंत्रता है क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो दूसरे पर नहीं पड़ता। लास्की का विचार है कि आधुनिक राज्य में निजी स्वतंत्रता का उल्लंघन करना जो है काफी इजी हो गया है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में उन्हें वापस लेने के लिए पर्याप्त कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकता तो यह उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका हनन कहलाएगा, उसका उल्लंघन कहलाएगा। क्योंकि अगर व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे इस अधिकार को वापस प्राप्त करने का भी अधिकार होना चाहिए। निजी स्वतंत्रता का अर्थ है जीवन के व्यक्तिगत संबंधों में अपनी मर्जी के अनुसार काम करने का अवसर। जो हमारा निजी जो व्यक्तिगत मामला है उस पे कोई भी निर्णय लेना है या कोई भी काम करना है उस पर जो है हम अपनी मर्जी के अनुसार जो है कार्य करें। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है राज्य के कार्यों के सक्रिय होने का अवसर। मतलब राज्य का जो भी कार्य है उसमें भी हम सक्रिय होकर जो है काम करें, यानी सभी प्रजातांत्रिक राजनीतिक अधिकारों की उपलब्धि। राजनीतिक स्वतंत्रता तभी संभव हो सकती है यदि प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक दृष्टिकोण से इतना बुद्धिमान हो कि वह अपने विचार अभिव्यक्त कर सके तथा समाचारों का ईमानदारी से प्रसार हो ताकि उनके आधार पर कोई भी जो राजनीतिक जनमत है वो तैयार किया जा सके। आर्थिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, दैनिक जीवन के लिए रोजी रोटी की चिंता से मुक्ति। इसका मतलब है कि बेकारी के निरंतर भय तथा उस अभाव से मुक्ति
जो व्यक्तित्व की संपूर्ण शक्ति को नष्ट कर देता है। इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है उद्योगों में प्रजातंत्र। इसके दो अर्थ हो सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से? औद्योगिक संगठन पर भी अधिकारों की वो व्यवस्था लागू की जाए जो आम नागरिकों के लिए होती है, तथा औद्योगिकरण की दशा और प्रबंधन किसी एक व्यक्ति समूह की तानाशाही के विपरीत सभी कर्मचारियों की सहमति और सहभागिता पर आधारित होना चाहिए। मतलब उद्योगों में भी अगर कोई निर्णय लेना है तो एक व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी जो निर्णय है वो सबकी सहमति के अनुसार ही होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्वतंत्रता की सुरक्षा की बात करेंगे। तो लास्की का विश्वास है कि जनसाधारण के लिए स्वतंत्रता बिना विशेष गारंटी के उपलब्ध नहीं हो सकती। इसके लिए जो है लास्की ने तीन शर्तों की बात की है। वो शर्त कौन कौन सी है? पहला है, स्वतंत्रता उतनी देर तक सुरक्षित नहीं हो सकती जब तक समाज में विशेष अधिकार है। जो लास्की है उनका कहना है जब तक समाज में विशेष अधिकार है तब तक लोगों को उसको सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। विशेष अधिकार की उपस्थिति जनसाधारण में निराशा की भावना को जन्म देती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग अपने हित को पूरा करने की जो क्षमता है उसको खो बैठते हैं। दूसरा है अधिकारों की उपस्थिति। उस समाज में स्वतंत्रता कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती जहां जनसाधारण के अधिकार जो है कुछ लोगों की कृपा दृष्टि पर निर्भर करते हो, जो सामाजिक हानि का एक बड़ा कारण बनती है। स्वतंत्रता हमें ऐसी परिस्थिति में ही प्राप्त हो सकती है जहां पर जो है हमें अधिकार प्राप्त हो, और अधिकार सभी व्यक्तियों का होना चाहिए ना कि, और ये जो अधिकार है ये अधिकार कुछ लोगों की दया दृष्टि पर नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता की दूसरी शर्त है कि अधिकारों की उपस्थिति। ठीक है, जो स्वतंत्रता है वो हमें ऐसी परिस्थितियों में कभी भी नहीं मिल सकती जहां पर जो अधिकार है वो कुछ लोगों के हाथों में हो। ठीक है, यहाँ पे अधिकारों की उपस्थिति का मतलब होता है उन अनिश्चितताओं की अनुपस्थिति जो सामाजिक हानि का जो है बड़ा कारण बनती है। सरकार जनता के प्रति जो है उत्तरदायी होनी चाहिए। राज्य के कार्य जो है पक्षपातपूर्ण नहीं होने चाहिए। जहां अधिकारों की उपलब्धि इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह स्वतंत्रता की न्यूनतम गारंटी बन जाती है। नेक्स्ट है, सरकार जनता के प्रति जो है उत्तरदायी होनी चाहिए और सरकार जो है कोई भी पक्षपातपूर्ण काम जो है नहीं करनी चाहिए। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होती है। तो आई होप आपको जो है टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हमने सकारात्मक स्वतंत्रता को अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको जो है रिप्लाई कर दूंगी। आपने मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।